विजय जी का ये एग्जीबिशन जिसका नाम है ग्लिम्प्स, और यहाँ आने का मौका मिला। एक जैसे आर्टिस्ट हैं और जितने अच्छे इंसान हैं, बहुत सारा लोगों के लिए काम भी किया है, और आज एक पेंटिंग में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें सबसे आगे वाला हाथ विजय जी का है, जिन्होंने ये जो किंगडम सीरीज है उसका बड़ा अट्रैक्शन मुझे भी था, क्योंकि तस्वीरें देख रहे थे लेकिन आज देखने का मौका मिला। और ये नए कंटेम्पररी आर्ट में वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन है, आणि मधाच्या पोळ्याला काय म्हणतात हिंदीत, हनी, हाँ, हनीकोम्ब को देखने की बड़ी इच्छा हो गई थी और वो बड़ा स्थायी भाव है उसमें, और ये आज की कला है जिसे और आगे लेके जाएगी बहुत सारे आर्टिस्ट को। विजय राउत जी से मेरा परिचय इनके एनिमेशन कॉलेज से हुआ है, लेकिन इनकी कलाकृतियाँ इतनी बेहतरीन और इतनी जादुई हैं, इतनी सम्मोहक हैं कि जैसा द किंगडम सीरीज में दिखाई पड़ रहा है कि रानी मधुमक्खी के पीछे छत्ते में सारे के सारे दूसरे मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खी हैं वो चिपके जा रहे हैं, वैसे ही हम जो कला प्रेमी हैं इनके कलाओं से चिपके हुए महसूस कर रहे हैं। हम नज़र वहाँ से हटाने का हमारा मन नहीं कर रहा था। हम शायद यहाँ से जाने के बाद भी द किंगडम की क्वीन अर्थात रानी मधुमक्खी और उनके सेवक मधुमक्खियों के बीच के अंतर संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से उकेरती हुई इस चित्रकलाओं को भूल नहीं सकते। वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से किया है, उनके हाथों में जादू है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी तरफ जो उन्होंने साधु सीरीज में मनोभावों को, साधु के मनोभावों को इतनी गहराई से खींचा है, उसमें जो भाव भरे हैं वो रंगों को वाटर कलर से, वो जो कि बहुत ही कठिन होता है, और उससे उन भावों को भरने में इतनी सटीकता दिखाई है, इतनी सूचकता दिखाई है कि वो अद्भुत है। कुल मिलाकर जो मोशन वाला आर्ट भी है वो तो नई दुनिया की ओर ले जाता है, जहाँ जो चित्र है वो आपके साथ मूव करते हुए देखते हैं, आपके साथ गतिमान होते हुए देखते हैं, तो जीवन के रहस्यों के साथ, जहाँ रानी मधुमक्खी है, दूसरी मधुमक्खियाँ हैं, जीवन मतलब जीवन के विभिन्न रहस्यों को वहाँ पर वो उद्घाटित करती हैं, तो दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला साधु का सीरीज है, और तीसरी तरफ पोर्ट्रेट के बाद मोशन पिक्चर है जो हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर एक नई भूमिका है और चित्रकला की दुनिया को एक नया संदेश देगी। मैं पहले से ही मतलब प्रयोगशीलता को मानता हूँ कि, और उसके साथ साथ में मतलब ड्राइंग करने के साथ में, पेंटिंग करने के साथ में, उसमें हम क्या दे सकते हैं दुनिया को वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा अपन दे सकते हैं, कलाकार ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कैनवास के ऊपर, तो उसका कैनवास उसका समाज होना चाहिए, वो शायद समाज का प्रणेता होना चाहिए। शायद इसीलिए मैंने मेरे कला के साथ में वृद्धाश्रम भी किया, मेरे कला के साथ में मेरा स्कूल भी है, मेरे कला के साथ में मेरी प्रयोगशीलता भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बात करूं और वही एक बात मैं दोहराते रहूं जिंदगी भर, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दुनिया को दे सकूं कुछ, लाया तो कुछ नहीं, अगर मैं देना चाहता हूं तो मुझे भगवान ने मौका दिया है देने का, मैंने देने की कोशिश की है, मैं वो कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। पेंटिंग किया है,
मैं जब भी मैं नासिक के बहुत नज़दीक हूँ अमरावती, तो कुंभ मेला देखता हूँ। जब भी मैं कुंभ मेला देखता हूँ उसमें जो साधु देखता हूँ, वो साधु मुझे इतने आकर्षित करते हैं, कभी कभी मन होता है कि साधु जैसा भाग जाओ वहाँ पे हिमालय में। तो वो जो भाग जाओ वाली जो बात है, वो जो अट्रैक्ट करने वाली बात है, वो साधु ने मुझे प्रवृत्त किया कि मैं उसको एटलीस्ट मैं जा नहीं सकता लेकिन मैं कैनवास पे उतार सकता हूँ। तो मैंने उतारने की कोशिश की। उनके जो हाव भाव है, सब नागा साधु है, नागा साधु के हाव भाव अगर मैं घर में लगाऊ तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनके जो भाव है उसमें जो विरक्ति है, इस दुनिया के प्रति जो विरक्ति है और जो उनकी भावना है, वो भावना अगर मैं कैनवास के ऊपर उतारूँ तो उसके जैसा कोई मुझे ऐसा लगता नहीं, चैलेंज है करके, तो मैं करने की मैंने कोशिश की है। मुझे तो वो जैसे जैसे मुझे मुझे ये वैरायटी ने बड़ा अचंभित कर दिया है, क्योंकि एक तरफ आगे जाने वाली प्रयोगशीलता है, एक तरफ पोर्ट्रेट्स हैं, एक तरफ कैरिकेचर है, एक तरफ मोशन पेंटिंग है, तो हर तरह की नई बात करने की और प्रयोगशीलता के साथ रहने की जो भावना है वो बिल्कुल तारीफ करने लायक है। कि एक कलाकार को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक ही तरह का चित्र बार बार कितनी बार करूँगा, तो ये प्रयोगशीलता है कि जिसके लिए मैं यहाँ खींचा चला आया हूँ। बिल्कुल, जो व्यक्ति रूढ़ होना नहीं जानता, जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है, जो व्यक्ति प्रयोग धर्मी होता है, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस रखता है, जो जोखिम उठाता है, वही नया इतिहास करता है। इसलिए इसमें मतलब हमारे राउत जी की इन पेंटिंग्स के माध्यम से हम विश्व में चित्रकला को नया आयाम देने के निसंदेह प्रयत्न करते हैं। जी, मैंने पहले भी इस बात को अभिव्यक्त किया कि इनकी पेंटिंग जो है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि भावों को संजोए हुए, कभी अंतर्मन के भावों को जो द किंगडम में दिखाया जा रहा है, कभी आध्यात्मिक भावों को और कभी गतिशील भावों को। इसलिए इनकी पेंटिंग सीधे सीधे व्याख्या करती है, होठों पर होठ रखकर अपनी बात रखती है। इसलिए इनकी पेंटिंग के बारे में मैंने जो कहा कि वो बहुत ही सटीक है। जी जी, मैं पेंटिंग बनाना चाहूँगा मानव मन की जटिलताओं की, क्योंकि मानव मेरे लिए केंद्र बिंदु है। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा, मेरे लिए विचारधारा से आगे बढ़कर जिस मानव समाज में हम जी रहे हैं, जिस मानव समाज के पुनर्निर्माण या उसके जीवन को सुंदर करने के लिए जैसे ये योगदान दे रहे हैं, तो किस तरह से उनमें उनकी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को कैसे उकेरा जा सके और उन जटिलताओं को कैसे सुलझाया जा सके, यही मेरे मैं उस पेंटिंग के प्रति अपने आप को प्रवृत्त करूँगा। वाह। देखिए, विजय की कला हम 20 साल से फॉलो कर रहे हैं और इसकी पहली प्रदर्शनी उनकी जब करीबन 12 साल पहले हुई थी, 12-13 साल हो गए रहेंगे, वही जहांगीर में ही हुई थी। उसमें भी वो पेंटिंग को सिर्फ पेंटिंग की तरह नहीं बट एक स्कल्प्टिंग की तरह स्कल्प्ट करते हैं। यहाँ भी अगर देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट इतने हैं कि कैनवास पेंटिंग है, वाटर कलर है, 3D पेंटिंग है, मोशन पिक्चर है, और जो पेंटिंग की है जैसा सर ने कहा, उत्तम बाजारा सर ने, कि उन्होंने एक रिलीफ बनाया है उसमें से। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि देखिए, चित्रकार का जो विश्व होता है हमारा, समाज,
उनका अपना विश्व जो वो जो जो कुछ वो काम कर रहे हैं, अभी उनका वृद्धाश्रम है, उनकी स्कूल है, उनका एनिमेशन कॉलेज है और इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारा जो उनका विश्व है, मैं तो यही कहता हूँ कि वो सारा विश्व उनका प्रतिमा विश्व करके एक सिंबॉलिक रूप की मैं ये हनीकॉम की पेंटिंग में आया है, ये मैं मानता हूँ। हालांकि वो भी सीखनी है। और 3D पेंटिंग की डिमांड, देखिए पेंटिंग की डिमांड तो सब जगह है। अभी इंडियन आर्ट आप देखा जाए तो इंडिया में वासुदेव गायतोंडे सर का जो पेंटिंग है अभी अप्रैल के महीने में 42 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ है। एक इंडियन आर्टिस्ट की पेंटिंग, वासुदेव गायतोंडे सर की पेंटिंग 42 करोड़ में सदबीस क्रिस्टीज जैसे ऑक्शन में सेल होती है। तो इंडियन आर्ट ग्रोथ बहुत बड़ा है, डिमांड पेंटिंग की है। और मैं तो कहूँगा ये बहुत स्लो है क्योंकि ये ढेर सारी चीज़ें करते हैं, ये स्कूल चलाते हैं, ये कॉलेज चलाते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं और एग्जीबिशन तो मुझे लगता है 12-15 साल बाद फिर से कर रहे हैं। पेंटिंग की डिमांड बहुत है, इन्होंने पहले से ही करनी चाहिए थी, वो करते भी है लेकिन वो इतना काम कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। लेकिन फिर भी ये पेंटिंग जो भी आई है यहाँ पे, इसमें मैं कहूँगा कि भारत के कला के सारे प्रवाह समाये हुए हैं। थैंक यू। ये जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आर्ट आर्ट के फील्ड के, हम थोड़ा बाहर से देखते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनर्स हैं, ये जो इनकी आर्ट है, आपने एक इनको सवाल पूछा ये क्या ये यानी बढ़ेगी, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो हमारा देश का सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बढ़ रही है, हमारे एयरपोर्ट्स सुधर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें ये जो आर्ट है इन्होंने आज जो एक्सपेरिमेंट दिखाई है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा और ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो आर्टिस्ट की जो ये प्रतिभा है, अगर ये सबके पास होती तो फिर इसकी कीमत नहीं होती। जैसे अभी पाटिल साहब ने कहा 42 क्रोर्स इट्स अ रिकॉर्ड, तो आई विश के विजय और हमारे उत्तम जी है, सभी लोग इनके अच्छे दिन आ जावे जल्दी से जल्दी। अच्छे दिन आर्ट के है ही, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पैसे के लिए नहीं देख रहा हूँ, बट इनकी प्रतिभा आज अमरावती से ये कर रहे और ये इंटरनेशनल क्लास की। मैं पांचों खंडों पे घूमते रहता हूँ, मैं आई एम इनटू स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स किया हूँ, सभी गेम्स किया हूँ, तो जो आर्ट जब सब जगह देखता हूँ, सब एयरपोर्ट्स में देखता हूँ, सब होटल्स में देखता हूँ, दुनिया में जहाँ जहाँ कल्चर है वहाँ पे आर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मुझे लगता है ये आर्ट उसी स्टैंडर्ड की है जो मैं इंटरनेशनली देख रहा हूँ।